ये एसी के अंदर कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है, कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, ए6 का एरर आ रहा है। तो इसके अंदर अगर हम वोल्टेज इसका चेक कर रहे हैं लाइन और न्यूट्रल के अंदर, तो इसका वोल्टेज 0 आ रहा है। ठीक है, देखो 0 वोल्टेज एसी पे है, वोल्टेज 0 है यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल में लगा है। और अगर मैं न्यूट्रल और कम्युनिकेशन में लगा रहा हूँ तो इसका 230 वोल्टेज आ रहा है, ये 228 वोल्टेज आ रहा है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसका फेस की जगह पे लाइन आ गया, लाइन की जगह पे न्यूट्रल। ये कम्युनिकेशन के अंदर लाइन दिखा रहा है, इसका फेस दिखा रहा है, तो इसका प्रॉब्लम ये आ रहा है। न्यूट्रल में लगाऊंगा तो कुछ नहीं आ रहा है, लाइन में, लाइन और न्यूट्रल में 0 वोल्टेज आ रहा है। और अगर इसका डीसी चेक करेंगे तो इसका डीसी चेक करते हैं। ठीक है, डीसी न्यूट्रल और सीपी में लगा रहा हूँ, न्यूट्रल और सीपी में 0 वोल्ट 0 आ रहा है। न्यूट्रल हटा, 0 नहीं, 8 आ रहा है, न्यूट्रल और सीपी में 8 आ रहा है। और न्यूट्रल और फेस में लगा रहा हूँ तो 24 आ रहा है, दिख रहा है। न्यूट्रल और लाइन में लगा रहा हूँ डीसी, तो ये 24 डीसी आ रहा है। तो इसके अंदर कोई वायरिंग की प्रॉब्लम है या पता नहीं किस चीज़ की प्रॉब्लम है।